दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सभी को कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट वो 4 तारीख को आया था, लेकिन दोस्तों उस रिजल्ट से बहुत से अभ्यर्थी नाखुश थे, नाराज थे और यहाँ पर दोस्तों परेशान थे। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कि जो आपका दोस्तों रिजल्ट आया था वो फिर से यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ऐसा रिजल्ट नहीं है कि वो वाला रिजल्ट कैंसिल हुआ है, ऐसी कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं यूट्यूब पर, वो कुछ नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर रिजल्ट है वो दोबारा यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा। आपका रिजल्ट जो दोस्तों यहाँ पर पहले कैंडिडेट पास हो चुके थे वो सभी कैंडिडेट फिर से पास होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो कि दोस्तों कुछ कैंडिडेट हैं वो कुछ जानते भी नहीं हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ पर, तो दोस्तों उनके लिए बताया जा रहा है कि रिजल्ट कैंसिल हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूँ पूरा पूरा नोटिस दोस्तों यहाँ पर जारी किया है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दोस्तों जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ बताया गया है कि क्लिक हियर टू नोटिस ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ द कैंडिडेट QP, मतलब दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स जो दोस्तों आपने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया था उसके बारे में बताया जाएगा इस रिजल्ट में, और फाइनल आंसर की आपका यहाँ पर स्कोर शीट आपको दिखाया जाएगा जो दोस्तों यहाँ कैंडिडेट यहाँ पर मांग कर रहे थे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो पहले रिजल्ट आया था जो लोग पहले यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए थे वो इस बार फेल हो जाए। ठीक है, उनका निश्चित यहाँ पास होना कन्फर्म है, और दोस्तों यहाँ पर आपका क्लियर यहाँ पर मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने आपके बड़े हैं, कितना यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ है, कितना आपका यहाँ पर रॉ मार्क्स था। ठीक है, दोस्तों आपकी ये सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग क्लिक करते हैं और पूरे नोटिस को जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है, नोटिस में क्या क्या हमें आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट में। ठीक है दोस्तों, बहुत सी यहाँ पर बातें फैलाई जा रही हैं यूट्यूब पर, वो बेकार है सब। मैं आपको दोस्तों बता दूँ जो नोटिस में लिखा है वही यहाँ पर होने वाला है, फालतू की बातें बनाना यहाँ पर बेकार है। देखिए यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर दोस्तों लिखा है आपका लेवल 1 पोस्ट सीएमसीपी से दोस्तों यहाँ पर किस क्या क्या होने वाला है, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पब्लिशिंग ऑफ द कैंडिडेट QP, मतलब दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, रिस्पॉन्स दिखाया जाएगा जो ऑब्जेक्शन लगाया है, और आपका फाइनल आंसर की दोस्तों यहाँ पर फाइनल आंसर की और आपका स्कोर शीट आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रख आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा है हम बताते हैं आपको। द रिजल्ट कनेक्टेड द लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑफ फॉर PET अगेंस्ट CA No. 2 2018 हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द 4/3/2019 अलॉन्ग विद द कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर URO/OBC SC/ST/CCA। द कैंडिडेट्स वेयर आल्सो प्रोवाइडेड फैकल्टी टू व्यू देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड स्टेटस फॉर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET थ्रू कैंडिडेट लोग। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट पास हुए हैं दोस्तों PET के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो लोग दोस्तों यहाँ पर अपना अपना दोस्तों व्यू देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड स्टेटस ऑफ शॉर्ट लिस्ट। दोस्तों आपके लिए अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं PET के लिए, दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपना नॉर्मलाइज मार्क्स देख पाएंगे और अपना यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट दोस्तों हुए हैं वो यहाँ पर अपना कैंडिडेट लॉगिन करके दोस्तों अपना चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वही लोग देख पाएंगे जो लोग यहाँ पर ओनली शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बताया गया है दोस्तों यहाँ बताया गया है ऑन अकाउंट एक्सपर्टली लार्ज वॉल्यूम ऑफ द कैंडिडेट अबाउट 1.2 करोड़ वू अपियर इन द CBT जनरेशन ऑफ कैंडिडेट व्यू क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विथ द कैंडिडेट रिस्पॉन्स एंड फाइनल आंसर फाइनल की यूज ऑफ इलिवेशन आफ्टर कंप्लीटिंग एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्शन इज टॉकिंग टाइम एंड सेम इज पब्लिश थ्रू इज द लिंक ऑफ द वेबसाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट RRB 10/3/2019। दोस्तों आज आपको यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों शाम के 6 बजे। ठीक है दोस्तों, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। आगे बताया गया है अकॉर्डिंगली कैंडिडेट विल बी अवेलेबल टू व्यू द कंप्लीट इलिवेशन डिटेल। ठीक है दोस्तों, आपका रिजल्ट का पूरा पूरा डिटेल्स में देख पाएंगे आप लोग, जो आज लिंक यहाँ पर एक्टिव होगा 10 तारीख को, आज 6 बजे होगा लिंक एक्टिव। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने आपने अटैम्प्ट किए ये देख पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली कितने आपके सही हैं ये देख पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्गली कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं ये देख पाएंगे, रॉ मार्क्स कितने आपके रॉ मार्क्स थे जो कि आपकी आंसर किए हैं वो देख पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर इंगॉर्ड कितने आपके क्वेश्चन इग्नोर थे वो देख पाएंगे, और प्रोटेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 दोस्तों आप कितने मार्क्स 100 में से आ रहे हैं जैसा कि ELP में दोस्तों देखा गया था वो देख पाएंगे। ठीक है, और कितने मार्क्स आपके नॉर्मलाइज मार्क्स एंड स्टेटस शॉर्टलिस्ट देयर ऑफ द PET दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों बताया गया है कि कैंडिडेट मे बी लॉग इन थ्रू द लिंक विल बी प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट RRB फॉर व्यूइंग द अबव डिटेल एंड 18 आवर्स। दोस्तों लगभग 6 बजे आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की जाएगी, 10 तारीख मतलब आज 6 बजे शाम को, और 16 तारीख तक ये लिंक रहेगी। ठीक है, आगे बताया गया है RRB इज रिसीविंग क्वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑन द नॉर्मलाइज प्रोसेस अडॉप्टेड इन द CA No. 2 2018।
दोस्तों यहाँ पर लगातार कैंडिडेट यहाँ पर आरबी को बता रहे थे कि जो लो मेथड हुआ है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एफ ए क्यू आपको पता है कि दोस्तों आरबी ने पूरा पूरा समझाया था आपको कि कैसे कैसे नंबर्स होता है, 20 सालों से चला आ रहा है ये बताया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, आगे दोस्तों पूरा पूरा यही कहा गया है कि आप दोस्तों यहाँ पर आरबी की वेबसाइट पर दोस्तों आप अपडेट देखते रहें, ठीक है। ओनली आगे दोस्तों अपडेट्स देख सकते हैं, एक कल की रात में दोस्तों यहाँ पर आया था 9/3/2019 को, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, जो लोग दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके थे वो लोग 100% क्वालिफाई करेंगे, और जो दोस्तों सोच रहे हैं 10-20 नंबर वाले वो यहाँ पर कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने पास नहीं हो सकते हैं, 1 करोड़ वैकेंसी नहीं है, ओनली वैकेंसी आपकी 62,000 है, ठीक है। तो 1,90,000 ही पास होंगे 3 गुना लगा के, और आपको यहाँ पर इंतजार करना है अपने आज 6 बजे शाम को, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।